नमस्कार, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल में। और जैसा कि आप सभी जानते हो, थर्ड सेमेस्टर में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस में हम लोग इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने उसका बेसिक जाना था, अब हम लोग उसके कुछ प्रॉपर्टीज जो होते हैं लाइक फर्स्ट शिफ्टिंग, सेकेंड शिफ्टिंग, तो इन सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, सेकंड शिफ्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। तो सबसे पहले आपको इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म का फर्स्ट शिफ्टिंग और सेकंड शिफ्टिंग पढ़ना है। ठीक है, तो आपको इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म का फर्स्ट शिफ्टिंग और सेकंड शिफ्टिंग बताने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म का फर्स्ट शिफ्टिंग क्या होता है। ठीक है, तो जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म का फर्स्ट शिफ्टिंग होता है वो हमारा कुछ यू होता है कि अगर इफ लैपलेस ऑफ फंक्शन टी, मतलब किसी भी फंक्शन टी का, एक फंक्शन है, ठीक है, टी का फंक्शन है, उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म अगर एफ एस है, तो उसी एफ टी में अगर ई टू दी पावर ए टी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, उसी एफ टी में क्या मल्टीप्लाई होगा, ई टू दी पावर ए टी मल्टीप्लाई होगा। तो उस कंडीशन में उस फंक्शन का जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, तो उस फंक्शन का लैपलेस ट्रांसफॉर्म एफ एस माइनस ए हो जाएगा। जैसे मान लीजिए, सीधा सा एक क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए कि आपका एक हम लोग टी टू दी पावर एन लेते हैं, ठीक है, तो इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा। तो आप सभी जानते हो ना, टी टू दी पावर एन का लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है, तो इट्स एन का फैक्टोरियल बाई एस टू दी पावर एन प्लस वन हो जाएगा। उसी में अगर हम बोले ई टू दी पावर, मान लीजिए टू टी इन टू टी टू दी पावर एन, ठीक है, तो इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो एन का फैक्टोरियल के प्लेस पे एन का फैक्टोरियल अपॉन जो हमारा एस है, e का पावर क्या, ए टी, तो ए की जगह में टू है ना, तो जो s है वो s किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो s मेरा कन्वर्ट हो जाता है s माइनस ए में, यानी कि दिस s इज कन्वर्टेड टू s माइनस ए, तो a के प्लेस पे क्या है, टू है, तो s माइनस टू टू दी पावर n प्लस वन, बस इतना ही होता है। ठीक है, तो इसका इनवर्स लैपलेस क्या होगा, तो इसका इनवर्स लैपलेस क्या होगा, ठीक है, वो देखिए आप, तो इसी का इनवर्स लैपलेस की अगर आपका लैपलेस इनवर्स एफ एस इज इक्वल्स टू एफ टी है, ये तो आप जान ही रहे हो। जैसे अगर आपका एल ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू एफ एस है, तो ये अगर अदर साइड पे जाता है, ठीक है, इफ दिस एल गोज ऑन अदर साइड देन एल इनवर्स एफ एस, तो ये एल इनवर्स एफ एस क्या बन जाएगा, आपका एफ टी बन जाएगा। देन तब उस केस में एल इनवर्स एफ ऑफ एस माइनस ए क्या हो जाएगा, ठीक है, तो अगर दिस इक्वल्स टू दिस है, तो ये आपका, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये अगर एल इस साइड जाता है, तो एल इनवर्स एफ एस माइनस ए ये क्या बन जाएगा, तो ई टू दी पावर ए टी इंटू एफ टी बन जाएगा। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर ए टी इंटू एफ टी बन जाएगा। बस यही आपका फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है लैपलेस ट्रांसफॉर्म का। ठीक है, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन बनाते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। फाइंड इनवर्स, आपको क्या निकालना है, इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालना है। ठीक है, यू नीड टू फाइंड व्हाट इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ वन बाय एस प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, ये आपका इसका इनवर्स। तो आप सबसे पहले ध्यान दो, सॉल्यूशन आप सबसे पहले ध्यान दो कि आपको फंक्शन क्या दिया हुआ है। तो आपका फंक्शन जो है ना, वो आपका एफ एस क्या दिया हुआ है, तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पर ये एफ एस नहीं है, एस के प्लेस पे एस प्लस टू है। ठीक है, एस के प्लेस पे क्या है, एस प्लस टू है, तो आपका एस प्लस टू, तो आप इसको एफ ऑफ एस माइनस ए के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, तो एस माइनस माइनस टू। ठीक है, आप s, आपके s के प्लेस पे क्या है, s प्लस टू है, s के प्लेस पे क्या है, s प्लस टू, तो s प्लस टू को आप माइनस के टर्म में क्या लिख सकते हो, तो f ऑफ s ऑफ s माइनस माइनस टू, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो वन बाय s प्लस टू का स्क्वायर प्लस 16, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब आप थोड़ा सोचो, चलिए इसको हम लोग, चलिए s ही मानते हैं, तो s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अगर होता, तो वन बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का लैपलेस ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लैपलेस क्या होता है, तो 1 बाय ए साइन ए टी होता है ना। ठीक है, 1 बाय ए साइन ए टी। अच्छा, इसको हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं एस प्लस टू का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा 1 बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, तो इसका हमारा लैपलेस ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, हम अच्छे तरीके जानते हैं कि 1 बाय
एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है, तो ये होता है 1 बाय ए साइन ए टी। ठीक है, ये हमारा इतना होता है 1 बाय ए साइन ए टी होता है। सो देयर फोर आपका एल इनवर्स एफ एस माइनस ए, ठीक है, तो इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है, इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है, तो ई टू द पावर ए टी इंटू ई टू द पावर ए टी इंटू एफ टी। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने भी देखा यहां पे हमारा क्या था, यहां पे हमारा एल इनवर्स 1 बाय एस माइनस माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हमारा ये था। ठीक है, सो इसका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप, दिस इज इक्वल्स टू, तो सबसे पहले तो एस माइनस माइनस टू है, ठीक है, सो नाउ एल इनवर्स दिस है, तो सबसे पहले 1 बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा 1 बाय ए साइन ए टी, तो साइन ए टी, और साथ साथ एस के प्लेस पे एस माइनस माइनस टू है, यानी कि ए का वैल्यू क्या है, माइनस टू है, तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस टू टी। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख सकते हो 1 बाय फोर ई टू दी पावर माइनस टू टी साइन फोर टी, आंसर समझ में आ गया आपको। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है आपका कि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सबसे पहले s माइनस माइनस टू किया, तो ये पता कंफर्म हो गया कि पक्का यहाँ पर e टू दी पावर माइनस टू टी होगा, और इस पैटर्न का क्या होता है, तो 1 बाय ए साइन ए टी। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म, किसका निकालना है इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म, तो 1 बाय 8s माइनस 27 होल टू दी पावर 1 बाय 3। ठीक है, आपको 8s माइनस 27 होल टू दी पावर 1 बाय 3 इसका निकालना है लैपलेस ट्रांसफॉर्म। चलिए फिर हम लोग देखते हैं कैसे निकालेंगे इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म हम लोग। इस क्वेश्चन में हमें समझ में नहीं आ रहा है कि फंक्शन ऑफ s क्या है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, जब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि फंक्शन ऑफ s माइनस ए क्या है, तो हम डायरेक्ट जो भी दिया हुआ है उसको फंक्शन ऑफ s मान लेते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, कि फंक्शन ऑफ s क्या है, तो क्योंकि पता चलेगा तब तो हम फिर s माइनस ए निकालेंगे, तो नहीं पता चला तो एक काम करते हैं 1 बाय 8s माइनस 27 होल टू द पावर 1 बाय 3। अब इन दोनों से हम लोग 8 कॉमन निकालते हैं, तो ये हो जाएगा s माइनस 27 बाय 8 और एंड होल टू द पावर 1 बाय 3। तो एक बार 8 का पावर 1 बाय, एक बार हो जाएगा हमारा 8 का पावर 1 बाय 3, और एक बार ये पूरा, यानी कि s माइनस 27 बाय 8 यानी कि 3 बाय 2 है ना, 3 बाय 2 आप बोल सकते हो, एंड ये हमारा 3 का क्यूब और ये हमारा 8 यानी कि 2 का क्यूब। ठीक है, अच्छा आप एक काम करो, इसको अभी ना उतना हम छेड़छाड़ नहीं करते हैं, बस इस पे हम लोगों ने काम किया कि यहाँ से हम लोगों ने 2 कॉम 8 का पावर 1 बाय 3 किया, एंड अगेन यहाँ पे 27 बाय 8 ही लिखिए आप, एस माइनस 27 बाय 8 होल टू दी पावर 1 बाय 3 इतना ही लिखा मैंने। सो दिस इज इक्वल्स टू 1 बाय 8 का पावर 1 बाय 3 मीन्स वॉट, 2, क्लियर, कैसे 8 का पावर 1 बाय 2, तो 8 मतलब क्या होता है 2 का पावर 3 का पावर 1 बाय 3, 3 3 कैंसिल, 2 का पावर 1 मतलब 2, और ये हमारा हो गया s माइनस a यानी कि 27 बाय 8 होल टू दी पावर 1 बाय 3। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आप ध्यान दो s के प्लेस पे क्या है s माइनस ए, यानी कि ये e टू दी पावर पक्का s माइनस ए, a के प्लेस पे पूरा 27 बाय 8 है, यानी कि ये तो पक्का हमारा e टू दी पावर इतना t हो जाएगा। ठीक है, अब फ्रॉम फर्स्ट शिफ्टिंग, और ये किसका फंक्शन है, और ये s का पावर 1 बाय 3 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा s का पावर ये 1 बाय s का पावर अगर 1 बाय 3 है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो s का पावर फॉर्मूला क्या होता है, तो हमारा फॉर्मूला होता है n का फैक्टोरियल बाय s टू द पावर n प्लस 1, तो 1 बाय 3 इज इक्वल्स टू n प्लस 1। आप देखिए 1 छोड़, आप n का फैक्टोरियल को क्या फर्क पड़ता है, हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि t टू द पावर n बाय t टू द पावर n बाय n का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू आपका होता है
वन बाय एस टू द पावर एन प्लस वन, ठीक है। सो लैपलेस इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू आपका दिस होता है, मैंने आपको पहले फॉर्मुला में बताया है। तो दिस इज इक्वल टू वन लैपलेस इनवर्स, ये आपका हो जाएगा वन बाय एस का पावर एन प्लस वन, यानी कि वन बाय थ्री। यहाँ पर क्या है, एस का पावर वन बाय थ्री, और वन बाय थ्री के पास वन बाय थ्री के प्लेस पे क्या है एन प्लस वन, तो वन बाय थ्री इक्वल टू एन प्लस वन, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन बाय थ्री माइनस वन, ठीक है, वन बाय थ्री माइनस वन। तो वन बाय थ्री माइनस वन, इसका एलसीएम आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा वन माइनस थ्री बाय थ्री, यानी कि माइनस टू बाय थ्री, ठीक है। यानी कि आपका ये क्या होना चाहिए, मतलब कि अगर आपका टी टू दी पावर, ध्यान दीजिए आप, ठीक है, आपका टी टू दी पावर एन बाय एन फैक्टोरियल इक्वल्स टू लैपलेस इनवर्स वन बाय एस टू दी पावर एन प्लस वन, ये होता है ना, ठीक है। तो इसके लैपलेस इनवर्स वन बाय एस टू दी पावर वन बाय थ्री है। अगर एस टू दी पावर वन बाय थ्री है तो यहाँ पे टी टू दी पावर क्या होना चाहिए एन के प्लेस पे, तो हम लोगों ने देखा कि एन प्लस वन का वैल्यू अगर वन बाय थ्री है तो एन इक्वल्स टू वन बाय थ्री माइनस वन, यानी कि एन का वैल्यू क्या आ गया माइनस टू बाय थ्री, यानी कि यहाँ पे होगा माइनस टू बाय थ्री, ठीक है, माइनस टू बाय थ्री। अगेन आपका आपको थोड़ा सा नोटिस करना है बाय एन का फैक्टोरियल, लेकिन आपका एन का फैक्टोरियल, तो एन का फैक्टोरियल तो यहाँ पर नेगेटिव हो नहीं सकता है। तो आप एक चीज कर सकते हो, बीटा गामा फंक्शन तो आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, लेकिन एक फॉर्मूला आप याद रखना, कौन सा फॉर्मूला, कि आपका एन का फैक्टोरियल को हम एन प्लस वन का गामा फंक्शन बोल सकते हैं, ठीक है, इसको आप याद रखना, एन का फैक्टोरियल को एन प्लस वन का गामा फंक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि एन का फैक्टोरियल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैं यहाँ फॉर्मूला आपको लिख देती हूँ, यहाँ मैं आपको फॉर्मूला लिख देती हूँ कि लैपलेस इनवर्स वन बाय एस टू द पावर एन प्लस वन इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है टी टू द पावर एन बाय एन का फैक्टोरियल, या फिर टू टू द पावर एन, अगर ये नेगेटिव में है तो नेगेटिव में फैक्टोरियल आप नहीं लोगे, तो उस टाइम पे आप क्या लोगे एन प्लस वन का गामा फंक्शन, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, जी हाँ, एन प्लस वन का गामा फंक्शन, अच्छा सॉरी मैंने फैक्टोरियल ही लिख दिया, एन प्लस वन का गामा फंक्शन, यानी कि एन प्लस वन गामा फंक्शन हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा, तो ये हमारा लैपलेस इनवर्स वन बाय एस प्लस वन बाय एस टू द पावर एन प्लस वन इक्वल टू, फॉर्मूला हो जाएगा टी टू द पावर एन बाय एन का फैक्टोरियल, और अगर ये हमारा टी टू द पावर एन का टी टू द पावर एन, और अगर ये हमारा नेगेटिव फंक्शन आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग टी टू द पावर एन बाय एन प्लस वन का गामा फंक्शन, ये हमारा होता है गामा फंक्शन, ठीक है। चलिए ये आपका फॉर्मूला है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, दिस इज इक्वल्स टू, ठीक है, इसका हमें निकालना है लैपलेस इनवर्स, तो इसका लैपलेस इनवर्स क्या हो जाएगा, यानी कि आपका एफ एस इज इक्वल्स टू दिस आ गया, इस साइड आप एल इनवर्स ले लो, एल इनवर्स ऑफ एफ एस इस साइड ले लो, यानी कि इस साइड भी आपका एल इनवर्स ऑफ एफ एस इतना आ जाएगा। अब सबसे पहले वन बाय टू कॉन्स्टेंट तो आपका बाहर निकल जाएगा, उसके बाद एस माइनस ए टू दी पावर इतना, तो एस माइनस ए जहां भी आ गया, एस के प्लेस पे एस माइनस आ गया, यानी कि ई टू दी पावर ए टी, तो ए की जगह में क्या है 27 बाय 8 टी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एस टू दी पावर 1 बाय 3, यानी कि 1 बाय एस टू दी पावर एन प्लस 1 का वैल्यू क्या था, टी टू दी पावर एन बाय एन का फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल नेगेटिव है तो गामा फंक्शन, तो टी टू दी पावर एन, तो टी टू दी पावर यहाँ पर अगर एन प्लस 1 का वैल्यू, ये एन प्लस 1 है, ठीक है, एन प्लस 1 का वैल्यू 1 बाय 3 दिया हुआ है, तो एन का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस 2 बाय 3, तो टी टू दी पावर माइनस 2 बाय 3 बाय माइनस 2 बाय 3 का फैक्टोरियल होता है, लेकिन नेगेटिव तो नहीं लेना है, तो एन प्लस 1 का गामा फंक्शन, तो एन प्लस 1 का वैल्यू क्या था 1 बाय 3 का गामा फंक्शन, आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट होता है फर्स्ट शिफ्टिंग। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सेकेंड शिफ्टिंग की ओर। सेकेंड शिफ्टिंग क्या होता है, आप ध्यान दिए थोड़ा सा, अगर लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, ये लैपलेस ट्रांसफॉर्म का मैं बता रही हूँ सेकेंड शिफ्टिंग, ठीक है, और हमें पढ़ना किसका है, इनवर्स लैपलेस का पढ़ना है, हमें पढ़ना है इनवर्स लैपलेस का सेकेंड शिफ्टिंग। और अभी मैं पहले आपको थोड़ा क्विक रिवाइज कर दे रही हूँ फर्स्ट शिफ्टिंग, ये सेकेंड शिफ्टिंग ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म, जबकि हमें इनवर्स का लैपलेस ट्रांसफॉर्म पढ़ना है। तो लैपलेस ऑफ एफ टी इज इक्वल टू, अगर आपका एफ एस है
देन लैपलेस ऑफ जी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर माइनस ए एस इंटू एफ एस, जहां पर जी टी क्या है तो जी टी फंक्शन है टी माइनस ए का, ठीक है। मतलब अगर आपका लैपलेस ऑफ एफ टी, एफ टी का अगर लैपलेस ट्रांसफॉर्म एफ एस है तो जी टी का लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर माइनस ए एस इंटू एफ एस। तो जी टी का मतलब क्या है, तो जी टी का मतलब है एफ टी माइनस ए, मतलब जी टी इक्वल टू क्या है, तो जी टी का वैल्यू है एफ टी माइनस ए, ठीक है। ये आपका जी टी है, क्लियर। इजी सा तो है कि अगर आपका लैपलेस ट्रांसफॉर्म, एक इजी सा टॉपिक है कि अगर आपका सिंपल, कि अगर आपका लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू आपको गिवन है कि ये आपका एफ एस है, देन लैपलेस ट्रांसफॉर्म अगर ये गिवन है तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी क्या हो जाएगा, तो जी टी का लैपलेस ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस ए एस इंटू एफ एस, ये हो जाएगा। अब आप बोलोगे मैम एफ टी इतना है और जी टी इतना, तो जी टी और एफ टी का रिलेशन क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एफ टी एंड जी टी, तो जो आपका जी टी है ना वो आपका एफ का ही, टी का ही फंक्शन है, लेकिन उसमें डोमेन टी माइनस ए है, ठीक है। और एक बार वो जीरो है, ये कब है जब टी का वैल्यू ए से बड़ा है, और ये कब है जब टी का वैल्यू ए से छोटा है, ठीक है। तो ये आपका है, तो आप ध्यान दो थोड़ा सा कि अगर आपका सेकेंड शिफ्टिंग क्या कहता है, चलिए हम लोग लिखते हैं पहले सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म, ठीक है। आपको सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ना है, तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो, अगर एल एफ टी इक्वल टू एफ एस है, यानी कि ये अगर उस साइड जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि इफ एल इनवर्स एफ एस का वैल्यू आपका एफ टी है, देन उस कंडीशन में ये आपका उस साइड जाएगा, यानी कि एल इनवर्स दिस का वैल्यू जी टी हो जाएगा, देन एल इनवर्स ई टू दी पावर माइनस ए एस एफ एस, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, तो इसका वैल्यू आपका जी टी हो जाएगा। और जहां पे जी टी का मतलब क्या है, इसका वैल्यू जी टी हो जाएगा ना जी, यहाँ पे आप देखो ये अगर उस साइड जाएगा तो एल इनवर्स ऑफ दिस बराबर जी टी, और जहां पर जी टी का मतलब क्या है, तो टी माइनस ए का फंक्शन, और एक बार जीरो, ये कब जब टी का वैल्यू ए से बड़ा है, ये कब जब टी का वैल्यू ए से छोटा है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन बनाएंगे हम, एक आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये क्या है, चलिए देखते हैं। आप देख सकते हो हम लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया है कि आपको फाइंड करना है इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू दी पावर माइनस ए एस बाय एस स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ना जीएस खोजेंगे, तो जीएस इस पूरे को लिखते हैं, आपका जीएस क्या है, तो ई टू दी पावर माइनस ए एस बाय एस स्क्वायर। अब इसे आप छोड़ दो, ठीक है, आप एफ एस खोजो, तो आपका एफ एस क्या है, तो e को छोड़ करके, तो e को छोड़ देंगे तो यह क्या हो जाएगा, वन बाई एस स्क्वायर, ठीक है। और सिंस चूंकि एल इनवर्स एफ एस, तो एल इनवर्स एफ एस का मतलब वन बाय एस स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो वन बाय एस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो वन बाय एस टू द पावर एन प्लस वन इक्वल टू होता है टी टू द पावर एन बाय एन का फैक्टोरियल। तो यहां अगर एस के प्लस पे एन प्लस वन के प्लस पे टू है, तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन, तब ना एन का वैल्यू एन प्लस वन के प्लस पे टू है, तो एन का वैल्यू ये उधर जाएगा, तो टू माइनस वन यानी कि क्या हो जाएगा, ये हमारा वन हो जाएगा, यानी कि ये हमारा हो जाएगा टी टू दी पावर वन बाय वन का फैक्टोरियल। सो दिस इम्प्लाइज दैट एल इनवर्स एफ एस का वैल्यू क्या आ जाएगा, टी, ठीक है। अब हमारा क्या है, तो अब अगर हमारा एल इनवर्स एफ एस इक्वल्स टू एफ टी है, देन एल इनवर्स ऑफ ई टू द पावर माइनस ए एस इंटू एफ एस, एफ एस यानी कि एस स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है एफ टी माइनस ए, ठीक है, एफ टी माइनस ए। तो आपका टी माइनस ए क्या हो जाएगा, तो ये आपका ऑल एफ टी माइनस ए, तो टी का टी और ए के प्लस पे तो एक ही है, तो ये आपका हो जाएगा टी माइनस ए, ठीक है, एफ टी माइनस ए। और साथ ही साथ जो हम लोगों ने ये निकाला है यू टी माइनस ए आंसर।
ठीक है। अच्छा एक मिनट, एफ टी माइनस ए इंटू यू टी माइनस ए, तो एफ टी माइनस ए क्या हो जाएगा, तो अगर एफ एस का वैल्यू टी है तो एफ टी माइनस ए आपका क्या हो जाएगा, ओनली टी माइनस ए हो जाएगा। आप इसको टी माइनस ए सिर्फ लिखो और ये हमारा हो जाएगा यू टी माइनस ए आंसर, ठीक है। कैसे, यहां पे तो एफ टी का वैल्यू क्या था, टी था ना। आप यहां देखो आपका, आप इसी में देख सकते हो जो आपका फॉर्मूला, आप उसी में देख सकते हो कि एल इनवर्स एफ एस इक्वल टू एफ टी था, और इस एफ टी के प्लेस पे क्या था, ये आपका एफ टी है और एफ टी के प्लेस पे क्या है, टी है। मतलब एफ टी इज इक्वल टू अगर टी है तो एफ ऑफ टी माइनस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, टी माइनस ए, ठीक है, और यू टी माइनस ए। चलिए तो इस तरीके से हमारा लैपलेस ट्रांसफॉर्म पूरा कंप्लीट होता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फूरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चन, विदाउट प्रैक्टिसिंग यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक प्रॉपरली। आप पूरी अच्छी तरीके से टॉपिक को नहीं समझ सकते हो जब तक से आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, मैं आप लोगों के साथ बनी रहूंगी। धन्यवाद।